नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। राबी माघ का महीना चल रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी मनाई जाती है। यह पर्व भगवान भास्कर को समर्पित है। रथ सप्तमी हिंदू त्यौहार है जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सूर्यदेव को समर्पित है और इस दिन उनकी पूजा की जाती है। इस दिन सूर्यदेव की आराधना करने से अनेक लाभ भी मिलते हैं। इसी के साथ जीवन में संपन्नता, धन, वैभव, ख्याति, अपार सफलता आदि का आशीर्वाद भी सूर्यनारायण की कृपा से प्राप्त होता है। शास्त्रों में सूर्यदेव को जगत की आत्मा कहा गया है और इसी के साथ ज्योतिष शास्त्र में यह ग्रहों के राजा हैं। अतः इनके आशीर्वाद से राज्य सुख की प्राप्ति होती है। रथ सप्तमी इस बार कब मनाई जाएगी और क्या रहेगा इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त, आइए जानते हैं। सप्तमी 16 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का प्रारंभ 15 फरवरी 2024 दिन गुरुवार सुबह 10:12 से शुरू है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का समापन 16 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार सुबह 8:54 पर होगा। इसके बाद द्रव सप्तमी को स्नान का मुहूर्त रहेगा। 16 फरवरी 2024 सुबह 5:17 से 6:59 तक का स्नान करने की कुल अवधि 1 घंटा 42 मिनट तक रहेगी। आइए जानते हैं रथ सप्तमी का महत्व क्या है। रथ सप्तमी को सूर्य जयंती के तौर पर मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन सूर्य देव का जन्म हुआ था और इसी दिन से उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित किया था। इसीलिए इस दिन सूर्यदेव की वंदना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातः उठकर स्नान करने के बाद उगते सूर्य को अर्घ देने से भगवान भास्कर का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन स्नान और सूर्यदेव को अर्घ देकर उनकी स्तुति करने का सबसे अच्छा महत्व बताया गया है। सूर्य शक्ति और आत्मबल के भी कारक है। ऐसे में इस दिन उनकी पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। रथ सप्तमी के दिन कुछ लोग व्रत भी रखते हैं। व्रत रखने वाले व्यक्ति को सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और फलाहार रहते हुए फल, दूध आदि का सेवन करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान सूर्य की पूजा और मंत्र जाप करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में के समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं सूर्यदेव के मंत्रों के बारे में। पहला है ओम सूर्याय नमः। दूसरा ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांचित फलम देहि देहि स्वाहा। इसके बाद तीसरा है ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।